होगी आपकी आवाज। पर मैं क्या अपराधों से कराएंगे आपको, नहीं होने देंगे किसी को भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए। इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस पर जहां अमेठी में जुलूस ए मोहम्मदी निकाला एक मदरसे के बच्चों ने, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और जुलूस निकाली। देखिए किस तरह से अमेठी में 12 रबी अव्वल को धूमधाम से मनाया गया, जहां पर वो प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के DGP का शुक्रिया भी अदा करते नजर आए। मदरसा असफरुल उलूम चिश्तिया में ईद मिलादुन्नबी नबी का तिरंगा के साथ निकाला जुलूस। हाफिज सुहेल ने बताया कि ईद मिलादुन्नबी यानी इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन रबी उल अव्वल महीने की 12 तारीख को मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का सऊदी अरेबिया में हुआ था। मोहम्मद साहब को अल्लाह ने एक अवतार के रूप में पृथ्वी पर भेजा था, क्योंकि उस समय अरब के लोगों के हालात बहुत खराब हो गए थे। इस मौके पर हाफिज सुहेल ने बताया कि सबसे अहम भूमिका है उत्तर प्रदेश के DGP का, जिन्होंने शांतिपूर्वक चाहे वह राम मंदिर व 12 रबी अव्वल को उन्होंने खूब निभाया। मदरसा सफरुल उलूम चिश्तिया बाजार शुक्ल द्वारा एक जुलूस निकाला, जो जुलूस मदरसा से प्रारंभ होकर रुदौली मार्ग पर स्थित तेदुआ गांव में सड़क किनारे स्थित रोजा बाबा की मजार तक गया। पुनर्वास मदरसा पर आकर जुलूस खान पान की खुशी में तब्दील हो गया। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की खुशी में निकाला गया था। इस जुलूस में मदरसा के मुस्लिम बच्चे वसीयत के लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल रहे। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी जगह जगह मौजूद रहे। इस जुलूस के बीच राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराता देखा गया। धार्मिक जुलूस में तिरंगा लहराने का संदेश संभवतः यही रहा होगा कि हम मजहबी के साथ ही राष्ट्रवादी भी हैं। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। आज 12 रबी उल अव्वल के इस पुरमसरत मौके के लिए हम तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करते हैं और तमाम दुनियाए इंसानियत को एक पैगाम ये देना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने इस्लामी जुलूस को इस्लामी रिवायत के साथ निकाला है, इसी तरीके से तमाम दुनियाए इंसानियत जब जुलूस निकाले तो उसमें किसी तरह का वावेला ना हो, हल्ला ना हो, लहू लाभ ना हो, खेल कूद ना हो, गाना बाजा ना हो। इसलिए कि शरीयत गाने बाजे की इजाज़त नहीं देती। आमद मुस्तफ़ा की खुशी में किस तरीके से आपने लोगों को अपनी तरफ मतलब समझाने का काम किया कि ये सब मत कर रहे हैं, कैसे आपने? मैंने हाथ जोड़ा, लोगों से माफ़ियाँ मांगी कि आप लोग परेशान ना हो। हाँ, गाना बाजा इस्लाम में जायज़ नहीं है, गाने बाजे के साथ ये त्यौहार न मनाएं। इसलिए कि ये उस नबी की खुशी है, उस नबी की पैदाइश की खुशी है, जिस नबी ने इस दुनियाए इंसानियत में ऐसे ऐसे काम किए कि उसके आने से पहले ये दुनिया ऐसा जुल्मत कदा थी कि लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। इसके बावजूद नबी के आने के बाद लड़कियों को इज्जत मिली, वक़ार मिला, लड़कियों को ज़िंदगी नहीं मिली और आज पूरी दुनिया इंसानियत लड़कियों की वजह से फैल रही है। पुलिस का रवैया कैसा रहा? पुलिस का रवैया बहुत अच्छा रहा। आज पुलिस का अमला, हमें लगता है हमारे थाने से तकरीबन 20-25 सिपाही दरोगा के साथ हमारे साथ रहे, सब तैनात। और उन्होंने ये कहा भी आदेश में कि जब तक हम ना आ जाएं जुलूस न निकाला जाए। मेरे आने के बाद निकले, वो आए, उन्होंने हमारा साथ दिया, आगे पीछे दाएँ बाएँ लगे रहे, पुलिस का काम ठीक रहा, कार्यशैली। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और DGP OP सिंह के बारे में आप क्या कहेंगे? वो फिलहाल अब चूंकि मुख्यमंत्री का मामला है, मुख्यमंत्री फिलहाल चूंकि जहां भी आदेश हुआ है उन्होंने काम किया है, DGP ने भी ठीक काम किया, इसलिए कि पूरे UP से कहीं ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं सुनाई पड़ी अभी तक। और ये DGP पर ही मुनहसर होता है कि अप्रिय घटना कहीं ना घटे।